सियासी माहौल गर्म है और इसी गर्म माहौल में लालू यादव ने बीजेपी और संघ पर जोरदार निशाना साधा है। सिंगापुर से लौटते ही लालू यादव ने ऐलान किया कि बीजेपी को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर कर देंगे। लालू के इस ऐलान के बाद बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर लालू यादव पर पलटवार किया है। सिंगापुर से लौटते ही एक्शन में आए लालू यादव, जातीय जनगणना के सहारे बीजेपी और संघ पर निशाना। लालू यादव के बयान पर एनडीए ने किया पलटवार। जातीय जनगणना का मुद्दा देश में कितना बड़ा बन चुका है कि संघ की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई, इसे सियासी हथियार ना बनाने की सलाह दी गई। कहा गया कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसे चुनावों में राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। संघ डेटा के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी के इरादे किसी से छिपे नहीं। तभी तो बिहार पहुंचते ही लालू यादव ने इसे लेकर संघ और बीजेपी दोनों को निशाना बनाया। कहा, इन आरएसएस और बीजेपी वाले का कान पकड़ दंड बैठक कराकर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। हाँ, तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक आप देखिएगा, ये लोग बड़े चतुराई से जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो, या क्रीमी लेयर का एससीएसटी का मामला। आप क्या सोचते हैं कि ये जातीय गणना किसने कराई? अगर कोई दूसरा आदमी बोलते हैं जो जातीय गणना हमने कराई, तो ये तो आपके सोचने पर निर्भर करता है ना। जब आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं आप क्या थे, किस हैसियत में आपने ये फैसला किया था? दरअसल कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने देश में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रखा है, और मुद्दा ऐसा है कि इसमें बीजेपी की सियासी धार कमजोर पड़ सकती है, तो फिर पलटवार कैसे किया जाए? लालू जी, आपने मौका मिला तो अपने बेटे को, पत्नी को, बहन, भाई को, बेटी को, इन्हीं को ना बढ़ाया? कहां कोई हम लोगों ने देखा कि जादव समाज के भी किसी व्यक्ति को आपने प्रमुख पदों पर रखा हो? सारे लोगों ने समर्थन किया, नतीजा क्या हुआ कि जाति आधारित गणना कराने के लिए बजट का प्रबंध किया गया। प्रणब मुखर्जी साहब ने घोषणा की जाति आधारित गणना हुआ, लेकिन डाटा ही छिपा लिया। दरअसल जातीय जनगणना वो मुद्दा है जिसे बीजेपी पकड़ना नहीं चाहती। बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे में वो फंस सकती है, लिहाजा किनारा करना ही बेहतर है। लेकिन इस बार आम चुनाव से ही आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाकर रखा है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पटना से शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने जहां एक तरफ प्रत्याशियों के चयन को लेकर काम शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर